नमस्कार, मैं हूं अनुष्का महाजन और आप देख रहे हैं जे न्यूज। नैनीताल के डीएसए मैदान में लगी सब्जी मंडी का हाल देखकर यही लगता है कि शायद प्रशासन इस वक्त सो रहा है। मंडी में लोगों की भीड़ लगी हुई है और इस पर नजर रखने वाला कोई नहीं है। लोग बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। सब्जी बेचने वाले ने मास्क नहीं लगा रखा हुआ है। दरअसल सब्जी मंडी को डीएसए मैदान में शिफ्ट कर दिया गया था जिससे लोग पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके, लेकिन सब्जी मंडी का हाल देखकर यही लग रहा है कि लोगों में कोरोना का डर खत्म ही हो गया है। प्रशासन की ओर से वॉलंटियर रखे गए थे ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके, लेकिन यहाँ एक भी वॉलंटियर मौजूद नहीं है। प्रशासन की तरफ से यहाँ बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। ना ही प्रशासन कुछ कर रहा है और ना ही पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठा रही है। अभी हम सरोवर नगरी नैनीताल के डीएसए मैदान में लग रही सब्जी मंडी में हैं। बता दें कि प्रशासन की ओर से कुछ समय पहले सब्जी मंडी को डीएसए मैदान में शिफ्ट करवा दिया गया था। वो इसलिए करवा दिया गया था कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें और कोई भी भीड़भाड़ ना हो, सब अपना ध्यान रखें। लेकिन बता दें कि प्रशासन की ओर से इतनी ज़्यादा लापरवाही नज़र में आ रही है। बता दें कि प्रशासन की ओर से वॉलंटियर्स रखे गए हैं, लेकिन कोई वॉलंटियर्स सब्जी मंडी में नहीं है। बता दें कि जैसे कि तीसरी लहर का प्रकोप बढ़ने लग जाएगा तो सबसे ज़्यादा परेशानी शुरू हो जाएगी। अभी हम डीएसए मैदान की सब्जी मंडी में हैं तो हम देख सकते हैं कि बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। दुकानदारों ने मास्क नहीं पहने हैं, लोग एक दूसरे से चिपक कर खड़े हैं। बता दें कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद से फिर से केस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। लोगों को अपनी जान की कोई भी परवाह नहीं है। प्रशासन की ओर से इसमें कोई भी देखरेख नहीं की जा रही है। ना प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, ना पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। प्रशासन की ओर से यहाँ पे वॉलंटियर्स लगाए गए हैं, कोई वॉलंटियर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। नगर पालिका कोई भी कर्मचारी यहाँ पे मौजूद नहीं है। जेजेएन के साथ दीप्ति बोरा की रिपोर्ट। ये थी नैनीताल से हमारी संवाददाता दीप्ति बोरा की रिपोर्ट। देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।